हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहु सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आप लोग ये मुझे बोले थे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि अगर घर में गुरु चर्चा कराना हो तो किस तरह से कराया जाए, उसका नियम मुझे बताएं। तो मैं उसी का नियम आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को घर में गुरु चर्चा करना है तो अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी गुरु भाई बहन हैं, चाहे वो आपसे बात करें ना करें, पर उनको आपको बोलना जरूरी है कि हमारे घर में गुरु चर्चा हो रहे हैं, आप लोग मेरे घर में चर्चा में आइए, ये बोल करके उन लोग को। और गुरु चर्चा में अगर आप प्रसाद आपका मन के ऊपर में है, आप प्रसाद जो भी रख सकते हैं। गुरु तो भाव के भूखे हैं, भाव से अगर आपका इच्छा हो कि गुरु तो मिश्री बादाम तो कंपलसरी है, ये तो आपको देना ही होगा। लेकिन आपका मन करे कि आप खीर बनाए, पुआ बनाए, पूरी बनाए, तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से सेवा, अगर आपके घर में कोई आता है तो हम किस तरह से उनको सम्मान देते हैं। उसी तरह से अगर हमारे गुरु आए हैं, हम गुरु सेवा देंगे तो किस तरह से आप उनको देंगे, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन गुरु चर्चा में कुछ नहीं लगता है। पहला नंबर बात, मिश्री बादाम लाए, एक दीपक जला के रख दे मंदिर में, जहाँ कहीं भी मंदिर है, जहाँ आपको कहीं बड़ा जगह मिले वहाँ पे आसन लगा के आप बैठे, एक कपड़ा को चार फोल्ड करें, या फिर आसन है तो फिर आसन लगाए, दो आसन लगाए, एक आसन पे मन संचालक बैठे। जिनको ये पता हो कि किन्हीं नया गुरु बहन को जिनको कि तीन सूत्र नहीं आता है तो उनको तीन सूत्र बताना है, तो कोई मन संचालक उस सीट पे बैठे, जो कि वो जिसे आप टीचर कहो जो भी कहो, तो वो वहाँ बैठेंगे, जिनको नहीं आता है उनको बताएंगे कि तीन सूत्र किस तरह से किया जाए। और जो भी नए लोग हैं उनको बारी बारी से, और जो एक आसन होगा उन पे बुला बुला कर आप तीन सूत्र करवाते जाइए, और जो मन संचालक है वो परमानेंट वहीं पे बैठे रहे। और प्रसाद में आपका जो भी लेना है ले। ये चर्चा करवाने के लिए आपको तीन ठो भजन है, जागरण भजन, जो कि आपको करना ही करना है। जागरण भजन ऐसा है कि पहला में है जागरण भजन, एक ठो हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा, ये भजन है। और दूसरा भजन है जागा जागा महादेव, हो जगादा महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, ये भजन भी है। और लास्ट भजन है गुरु नाम लेते चलेंगे, सभी गुरु है बताते चलेंगे। तो आप देखिएगा कहीं से शिव चर्चा का किताब अगर मिलता हो तो किताब में ये तीनों भजन दिया हुआ है। और अगर नहीं आप लोग कहेंगे तो ये तीनों भजन मैं गा करके आप लोग को यूट्यूब पर छोड़ दूंगी, ताकि आप लोग ये भजन चलाकर अपना चर्चा कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं तीनों भजन बारी बारी से, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ऐसे करके मैं डाल दूंगी। आप लोग जब चर्चा करेंगे तो उसको चला लीजिएगा, उनके साथ साथ आप अभी मुखड़ा गाइएगा गा करके आप। और जो भी आपको गुरु आप शिष्य बने हैं, गुरु को लिए हैं, तो गुरु लेने के बाद आपको क्या अच्छा हुआ है क्या नहीं हुआ है वो चीज़ आप भी रख के चर्चा में। प्लस जो कोई भी आएंगी, अगर गुरु शिष्य बनना चाहेंगी तो उनको आप लोग बनाइएगा गुरु शिष्य। अगर आप लोग उनको बनाएंगे, अगर कोई बोलेगी कि मेरा नाम का घोषणा कर दीजिए, तो आप उनका नाम लेकर के बोल दीजिएगा कि ये आदमी अभी इसी क्षण से महेश्वर शिव को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, शिव गुरु के आंतरिक साम्राज्य में मैं ये नाम का घोषणा कर रही हूँ। इस तरह का बोलकर, या लड़का हो तो कर रहा हूँ, लड़की हूँ तो कर रही हूँ, बोल के ये आप नाम का घोषणा करें। फिर दूसरी नंबर में जो भी आपको भजन आता हो तो आप भजन गाए। फिर आपको जो भी गुरु के संबंध में, जो भी महादेव से रिलेटिव आपको पता है, उस चीज़ को आप रखें वहाँ पे, आप भी आप अपना भी बताएं, प्लस जो आए हुए हैं उनका भी आप सुने। तो इस तरह से गुरु चर्चा आप कर सकते हैं। अगर आप घर में चर्चा रखे हैं तो घर में तो जितना लोग कटेगा ठीक है, अगर आप बाहर कहीं चर्चा रखते हैं तो बड़ा करके रखिए। फिर गुरु भाई बहन, अगर आपका इच्छा हो कि हम उनको चाय पानी करवाए तो आप चाय पानी करवाए, अगर आपका इच्छा हो कि हम उनको खाना खिलाए तो आप खाना खिलाए, वो आप पे निर्भर करता है। तो जितने शिव है, जितने जीव उतने शिव है, सबके मन में गुरु का गुरु बैठे हुए। तो आपका इच्छा है कि नहीं हम उनको जो, तो आप कर सकते हो, आप पे है। और नहीं तो गुरु चर्चा में कुछ नहीं लगता है, आप ये तीन ठो जागरण भजन कर गुरु के बारे में कुछ अगर बोलना है बोलिए कि आपका अच्छा हुआ बुरा हुआ बोल के, बस आप चर्चा इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन हाँ, सबको बताना बहुत जरूरी है कि आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में चर्चा है। आए तो उन लोगों को भी, जो जिनको आपको आता होगा उनको आप लोग मंच पे बैठा बैठा के आप जरूर पूछिएगा कि आपका क्या अच्छा हुआ है, बोलिए इस मंच पे, ये बोलना है।
और तीन सूत्र जरूर करवाए। नया आदमी अगर आपके अड़ोस पड़ोस में है तो नया आदमी को ज्यादा करके आप तीन सूत्र करवाए। और जिनको आता है कि मतलब कंटिन्यू करती है जो, वो नहीं भी मंच पे बैठेगी तो कोई बात नहीं, ऐसा ना सोचे कि मैं मंच पे नहीं गई हूँ तो उनको बुरा, ऐसा नहीं सोचना है। जो नया है उनको बुला बुला के आप कराए, शिव गुरु का भजन करे, कीर्तन करे। गुरु तो भाव के भूखे हैं, जिस तरह से हम भाव देंगे उस तरह से गुरु हमें प्यार करते हैं। तो आप लोग को ये पता चल गया होगा किस तरह से चर्चा करना है, मैं बोल दी हूँ, आप लोग करिएगा। अगर कोई चीज़ अगर नहीं अगर समझ में आया हो तो आप लोग फिर मुझे पूछिएगा, मैं बता दूंगी। इस तरह से आप गुरु चर्चा करें तो मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। गुरु सहो आप।